काफी अच्छा भी लग रहा है, काफी फ्रेश फील हो रहा है। ट्रैक पे मुझे भी ना काफी मदद मिलती रहेगी। बाकी छोटू आगे चल रहा है, इनके मुकाबले आज टूरिस्ट ना बहुत ज्यादा आया। अभी सुबह के लगभग 6 बज रहा है, हम लोग भी पहुंच चुके हैं और यहां पहुंचने के बाद हम लोग ना अभी वापसी जा रहे हैं घर के लिए। सुबह सुबह काफ़ी ठंडी हवा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजय नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मस्तूरा विलेज से। बाकी यार आज ना पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही है ना, क्योंकि कल हम लोग जो सरिया सीमेंट वगैरह लेके आए थे ना, सुबह को उठने का ना बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। वो तो भूपी ने कॉल किया और एक टाइम मैं हल्का बिस्तर में मतलब ऐसे खड़ा हुआ, मैंने कहा देखता हूँ यार किस साइड में दर्द ज़्यादा हो रहा है। हल्का कमर में दर्द हो रहा था और इन कंधों पे ना जो रस्सियाँ थी उन रस्सियों की ऐसी लाइनें पड़ी हुई है ना कसम से, बिल्कुल लाल हो रखा है। बाकी अब आज भी छोड़ना नहीं था क्योंकि आगे फिर दिक्कत हो जाती। सबसे बड़ी बात, पहली तारीख से हम लोगों का ट्रैक भी है। अब अगर ट्रैक हो जाता है कहीं ना कहीं ट्रैक पे मुझे भी ना काफ़ी मदद मिलती रहेगी और जो पांव वगैरह दर्द होने थे वो अब नहीं होंगे, क्योंकि जब मैंने रन स्टार्ट किया ना उस टाइम से वो सारा दर्द गायब हो चुका है। एक दो दिन रहा, अब बिल्कुल नहीं है। बाकी ये रहा सामने उसाड़ा विलेज और ये है आकाश कामनी रिवर। आज तो सच में ना पांव इतने ज्यादा दर्द कर रहे हैं। तो चलो, स्कूल का टाइम भी हो चुका है इनका और जैसे ही मैं सुबह रनिंग करके आता हूँ ना तो उसके बाद टाइम भी उतना ही होता है। 7 बजे के करीब मैं भी घर पे पहुँचता हूँ। घर पे पहुँचा और उसके बाद तुरंत मैं भी इनको स्कूल लेके निकल जाता हूँ। ये चल रहा है छोटू और गोलू और अंशिका और शिवान पीछे से आ रहे हैं। आज मेरा बर्थडे। हाँ, कब होगा? कब होगा? कल। किसने बोला? मैंने। तो तुमने? जाओ बाय। उदी बैग वगैरह तो यहीं रह गया था दुकान पे और दुकान बंद थी सुबह के टाइम पे, तो अब उसको उसका बैग दे देते हैं। लगभग 12:30 हो चुका है टाइम और वैसे शिवान सरों की छुट्टी भी ना जस्ट होने वाली है। अब और दिन के मुकाबले आज टूरिस्ट ना बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही है। इतने भी यहाँ पे होटल्स वगैरह सारे फुल हो रखे हैं। अब दीवान सरों की छुट्टी भी हो गई है और हम लोग भी ना लगभग घर पे पहुंचने ही वाले हैं। या तो इस टाइप से बचपन में खाता था मैं और आज, या तो आज खा रहा हूँ। अब एक्चुअल कद्दू ना डेली वही बन रहा है, मतलब इतनी चीज आ रही ना उसको देखने का मन भी नहीं कर रहा इतना ज्यादा, मतलब क्या बोले यार, इसलिए मैं दही और चीनी में खा रहा हूँ। तो करीब अभी
शाम के 3:30 हो चुका है और इन लोगों की तैयारी हो गई है ट्यूशन जाने की। बाकी मैं भी चाय वगैरह पीता हूँ, फिर मैं भी निकलता हूँ दुकान पे। अब जो इस पे ना पूरे एरिया पे बीन्स वगैरह लगी हुई हैं, तो अभी आजकल इनको ना सब्जी के लिए भी निकाल देते हैं। अब जैसे इस साइड में लगी हुई हैं, और अगर इनको ऐसे ही रहने देंगे तो ये सूख जाएंगे, तो फिर जो दाल वगैरह जो तैयार होती है तो वो इन्हीं से तैयार होती है। अब इनको निकालने के बाद इनको सुखाना होगा, और तब जाके इनके जो बीज वगैरह है वो अलग करने होते हैं। अभी शाम के लगभग 7 बज चुका है, मेरी तैयारी हो चुकी है घर निकलने की। और आज और कल में ना टूरिस्ट इतना ज़्यादा आया है चूपता वैली में कि सुबह से शाम तक ना गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, मतलब एक टाइम भी रोड खाली नहीं है। तो इतना ज़्यादा टूरिस्ट ना चूपता वैली में आ रहा है। बाकी चलो मैं भी घर की ओर चलता हूँ। तो फाइनली मैं भी घर पर पहुँच चुका हूँ, और तो फिलहाल मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपको एक नए दिन के साथ, नए सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, बाय। Bye-bye.